गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर। कल भी हमने चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, आज हम इसके अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या करेंगे हम? इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे और इनके आंसर राइट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीज बोने पर वह क्या बन जाता है? बीज बोने पर वह क्या बन जाता है? तो वो क्या बन जाता है? बीज बोने पर वह वृक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? वृक्ष। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर पूरा लिखोगे। बीज बोने पर वह वृक्ष बन जाता है। बीज बोने पर वह वृक्ष बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या करने से देश बड़ा होता है? क्या करने से देश बड़ा होता है? तो क्या करने से होता है देश बड़ा? हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? अच्छे सच्चे काम करने से, अच्छे सच्चे काम करने से देश क्या होता है? बड़ा होता है। बीज बोने पर क्या बन जाता है? बीज बोने पर वृक्ष बन जाता है। क्या करने से देश बड़ा होता है? अच्छे सच्चे काम करने से देश बड़ा होता है। महल किस प्रकार बनता है? महल किस प्रकार बनता है? किस प्रकार बनता है? ईंट धरने से महल बनता है। महल किस प्रकार बनता है? ईंट पर ईंट धरने से महल बनता है। मधुर बोल का दूसरों पर क्या असर होता है? मधुर बोल का दूसरों पर क्या असर होता है? तो क्या असर होता है मधुर बोल का दूसरों पर? क्या असर होता है? मधुर बोल बोलने से अपनापन बढ़ जाता है। मधुर बोल बोलने से अपनापन क्या हो जाता है? अपनापन बढ़ जाता है। शत्रु कब नहीं टिक पाएगा? अगला क्वेश्चन क्या है? शत्रु कब नहीं टिक पाएगा? सभी के मिलकर, सभी के मिलकर सामना करने से शत्रु नहीं टिक पाएगा। सभी के मिलकर सामना करने से शत्रु नहीं टिक पाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
बीज बोने पर क्या बन जाता है? बीज बोने पर वह वृक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? वृक्ष बन जाता है। क्या करने से देश बड़ा होता है? अच्छे सच्चे काम करने से देश क्या होता है? देश बड़ा होता है। अच्छे सच्चे काम करने से देश बड़ा होता है। महल किस प्रकार बनता है? ईंट पर ईंट धरने से महल बनता है। मधुर बोल का दूसरों पर क्या असर होता है? मधुर बोलने से अपनापन बढ़ जाता है। शत्रु कब नहीं टिक पाएगा? सभी के मिलकर सामने करने से शत्रु नहीं टिक पाएगा। तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है आपको? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? शब्दों के पहले शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। शब्दों के पहले शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। शब्दों के पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। प्रति प्लस ए, प्रत्येक, अप प्लस मान, अपमान, बेई प्लस ईमान, बेईमान, कम प्लस अकल, कमक्कल, कमक्कल, सम प्लस मान, सम्मान, उप प्लस देश, उपदेश, नीर प्लस बल, निर्बल, सह प्लस हर्ष, सहर्ष, अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाइए। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाइए। ईंट, ईंटे, बूंद, बूंद, बूंदे, नन्हा, नन्हे, घड़ा, घड़े, छोटा, छोटे, बड़ा, बड़े, अच्छा, अच्छे, सच्चा, सच्चे। तो इसमें आपको क्या करना है? शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या करना है? नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो इसमें आपको क्या बनाने हैं? ये क्या है? एक वचन शब्द है, तो इसके क्या बनाने हैं? बहुवचन शब्द बनाने हैं। क्या बनाने हैं? एक वचन के बहुवचन शब्द बनाने हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है आपको? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? अच्छे से राइट करना और अच्छे से लर्न करना है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ में आई कविता में एकता तथा संचय का संदेश दिया गया। कविता में आए स्वभाव से संबंधित यहाँ चित्र दिए गए। चित्र के नीचे भाव का नाम लिखिए। तो ये क्या है? संचय,
और ये एकता, ये क्या है इनके भाव है, क्या है इनके भाव है। तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करोगे आप, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लैंड करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। आज आपको इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ना है, इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।